परमार्थिक पक्ष के प्रवर प्रेरणा स्रोत मंचासीन श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब जी और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, हमारे श्रद्धेय राम दास साहेब जी और सत्संग के आयोजक आदरणीय प्रभु भगत जी, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा होते हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से होती है, ज्ञान सुंदर वातावरण से मिलता है, और कर्म कांड जितने हैं दुनिया के अंदर वो सब पंडित जी के प्रेम से निकला। चाहे आप माँ का श्राद्ध कीजिए, पिता का श्राद्ध कीजिए, बेटी का विवाह कीजिए, बेटा का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, जनऊ कीजिए, घर का नींव दीजिए, उद्घाटन कीजिए, सत्यनारायण व्रत कथा कहवा लीजिए, या विश्वकर्मा पूजा कीजिए, या दुर्गा पूजा कीजिए, काली पूजा कीजिए, या शोखा पूजा कीजिए, या बैद्यनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, या गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी त्राप्ती नर्मदा नदी में स्नान कर लीजिए, चाहे काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाइए, चाहे रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति पढ़ लीजिए, चाहे अष्टजाम चौपहरा महाविष्णु जग महारुद्र जग सत्चंडी जग श्रीमद दिगंबरी निराहारी दूधाहारी पत्र पुष्पाहारी खाकी निर्जली दिगंबरी बन जाए, ये सारा कर्म कांड। कर्म करने की जरूरी है, कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चले। खेती करने की आवश्यकता है, मवेशी पालने की आवश्यकता है, पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, बिजनेस व्यापार करने की आवश्यकता है, नौकरी चाकरी करने की आवश्यकता है, क्रिकेट खेलने की, सिनेमा में रहने की, ऑर्गन पैड नाल हारमोनियम बजाने की आवश्यकता है, ये सारे कर्म। कर्म से आपका जीवन निर्वाह होगा, कर्म से माता पिता का सेवा होगा, कर्म से बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई होगा, कर्म से बेटा बेटी का विवाह शादी होगा, कर्म से जमीन खरीदाएगा, मकान बनेगा, गाड़ी खरीदाएगा, कर्म की आवश्यकता है। साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बांधते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे,
विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत सूप लगाते थे। सब लोगों ने कर्म किया है, हम लोगों को भी कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं। लोग कर्म भी करते हैं जीने के लिए, जीने के लिए भी कर्म और मुक्ति के लिए भी कर्म। अभी तक मनुष्य के दिमाग में, समझदारी में ये बात नहीं आ रहा है कि ये धर्म धुरंधर लोग कैसे हमको धोखा दे रहे हैं और कैसे हमको ठग रहे हैं। इस पर आज बचा जा रहा है, ये माता बहन लोग कर्म करती है जितिया। ये जितिया कर्म किसके लिए करती है? बेटा के लिए। बेटा के लिए कर्म करती है जितिया, उपवास रखती है। बिना कर्म के, बिना जितिया के ओसामा बिन लादेन के 56 गुन हो जाता था। ये जितिया सांच हुआ कि झूठ? अगर जितिया सांच होता तो एक भी मुसलमान के पास बेटा नहीं होता, सब निपुत्र हो जाता। काहे कि जितिया कभी नहीं किया। इसी धरती पर मुसलमान भी, इसी धरती पर है सिख की पत्नी भी, इसी धरती पर है और ईसाई की पत्नी भी इसी धरती पर। कोई जितिया नहीं किया, सबके पास इनको जितिया करके 3 बेटा है, एक एक मुसलमान के बिना जितिया के 13 तरह हो गए। साथ है कि झूठ? ये करवा चौथ करती है कर्मकांड पति के लिए। पति दीर्घायु हो जाए, अधिक दिन जिए, ये सुहागवती बन के रहे। एक भी मुसलमान सिख और ईसाई की पत्नी करवा चौथ और कर्मा धर्म नहीं करती है। सबका पति मर गया, सब समाप्त हो गई। अरे मानव जीवन मिला था यही लड़कियां के खेल खेलने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पिता डाली। जब लड़की नाबालिग रहती है बच्चा, तो माटी के कनिया दुल्हा पोती पिटारी खीर पूरी बना के खेलती है। लेकिन जब वो जवान हो जाती है, जब उसका विवाह हो जाता है और असली दुल्हा उसको मिल जाता है, तो लड़कियां के खेल छूट जाते हैं। लेकिन ये बुढ़ा के मरेगी, लेकिन लड़कियां का खेल इनका बंद नहीं। कर्म कांड बंद नहीं हो रहा है। क्यों? कर्म कांड से मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा। कर्म कांड तो करती है, मांसों खाती है, मछलियों को गाड़ियों पर बेटी के कहती है सब हो गया, ज्ञान ज्ञान हो गया। बेटी को सौतिन कहने का मतलब है कि आपके पति का ही पत्नी है। पति को गाली देती है, सास को गाली देती है, ससुर को गाली देती है, जितिया भी करती है, करवा चौथ भी करती है। बंधुओं, माता बहनों, बड़ा सौभाग्य से यह नर्तन मिला। साहब कबीर कहते हैं, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई।
तजी प्रपंच अविद्या पाखंड छारहु मान बराई। साहब कबीर कहते हैं परपंच क्यों दिल में रखते हो, परपंच क्यों जोड़ते हो किसी के पर। आज तो साधु संत भी परपंच जोड़ते हैं। हमारा वीडियो कई एक आदमी डाला, जब वो जाता है किसी के पास तो कहता है परपंच नहीं तो क्या है। कभी भी हृदय में किसी के प्रति छल परपंच नहीं रखना तजी परपंच अभिव्या पाखंड। पाखंड को छोड़ दीजिए, अविद्या को छोड़ दीजिए, अज्ञानता को छोड़ दीजिए, छाड़ मान बराई और अपना मान बराई भी छोड़ दीजिए। परम पूज्य अभिलाष साहब कहते थे बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा। क्या कर दिए बहुत बोल के। एक दिन हम मंच पर बैठे थे, इसी तरह बोल रहे थे, समय पूरा हुआ, मन संचालक ने कहा आपका समय अब समाप्त। हमसे बुला गया कि वो बोलना तो और था। मंच पर से उतरे अधर्म स्वरूप साहब को बुला लिया, कहे कितना बोलना था, हम पांच घंटा का समय आपको देते हैं, क्या कीजिएगा बोल के। मान बढ़ाई पाना चाहते हैं, उसी दिन बात से हम कान पकड़ लिए कि ऐसा बात जीवन में हम कभी नहीं बोल सकते। कितना बोलना है, बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा और बहुत जानने वाले को भी एक दिन स्मृति होना होगा। एक दिन हम भी चौकी पर पड़े पड़े ताकेंगे, एक शब्द मुंह से नहीं आया। जो भी जानकारी है एक दिन सब समाप्त होगा, और समाप्त हो के तब यहां से चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बोलना चालना सब खत्म हो जाएगा। तजी प्रपंच अविद्या पाखंड, क्या है आपका जिस पर अहंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा गुण कृत सन्नी पात नहीं के को न मान मद व्या पहुंचे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में गुण रूपी संपात भाव किसको नहीं हुआ। कौन ऐसा धीर गंभीर पुरुष है गुण का अहंकार। अंत में क्या जाएगा आपके साथ, किस चीज का अहंकार है। बोली जाएगा, ये प्रवचन जाएगा, ये वस्त्र जाएगा, ये शरीर जाएगा, ये आंख कान नाक जाएगा, ये जमीन जाएगा, पत्नी जाएगी, बेटा जाएगा, बहू जाएगी, बेटी दामाद जाएगा, गाय भैंस जाएगा। क्या है आपका जिस पर आप अहंकार में फूल रहे हैं। कफन भी मिलेगा, उचिता पर जल जाएगा पहले। किसका अहंकार है, रूप का। रूप भी चिता पर जल जला हो जाएगा। जिस मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं, आंख में काजल आ रहा है, मुंह में लगाते हैं उजर का स्नो पाउडर, वो मुंह भी एक दिन जलेगा चिता पर। अहंकार किस बात का। तजी प्रपंच अविद्या पाखंड छारहु मान बराई। संत संग होए भज सतगुरु के, संत संग होए भज सतगुरु के, ए परम सुखदाई, ए परम सुखदाई अवसर बहुत भलो रे
भाई क्या करके आप लोग समय बिता रहे हैं? जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा अतीज करके छठा चंदा करके काली दुर्गा के खोइचा भर के ये सारा लड़कियां के खेल खेल के अंत में रोना होगा, याद कर लेना। अंत में रो करके दुनिया छोड़ना होगा, इसलिए कि पूरा जीवन गप गप कर बीत गया। पीर पूरे जीवन को पंडित जी ने गप गप में बिता दिया, झूठ के खेला 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 करके अपना आमदनी करके घर ले गया और आपसे झूठा रोजगार। कभी भी महिलाओं को सद्गुरु कबीर की बाणी प्रवेश नहीं करता। महिला सब कबीर साहब के बाणी से बहुत हरक के अब पंडित जी आ जाकर है जजमान नहीं कल छठ के नहा खाए बाप खुशी से बेकल हो जाए एक डगड़ा गोहूं लेके पंडित जी कल न्याय नहा खा के क्या किया नहा खा के क्या किया इसका मतलब और दिन नहा के खाना नहीं है बस एक दिन नहा के खाना है। जीवन भर कर्म कांड ज्ञान के निकट तो मनुष्य जाना नहीं चाहता। कर्म कांड के सात शाखा होते हैं यजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह मैथुन या करना या कराना दक्षिणा लेना दक्षिणा देना विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना और बच्चा पैदा करना इस सात कर्म कांड इसका परिणाम इसे मुक्ति नहीं होगी इसे सुख शांति नहीं मिलेगी इसे मोक्ष नहीं होगा आपका कर्म से कर्म का बदला देना बदला देने के लिए किसी मादा जाति के किसी मादा जाति के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा किसी मादा जाति के गर्भ में कर्मानुसारी जीव को जाना पड़ेगा। गाय के गर्भ में जाए चाहे भैंस के गर्भ में जाए चाहे हथनी के गर्भ में जाए चाहे घोड़ी के गर्भ में जाए चाहे बाघिन के गर्भ में जाए कर्म का परिणाम तो भोगना है। जाना पड़ेगा गर्भ में मादा होगी फूल नर होगा फल और उसके गर्भ में 9 महीना 11 महीना रहना पड़ेगा तब वहां से निकल के आना पड़ेगा और अपने कर्म का परिणाम इसी धरती पर भोगना पड़ेगा। अब भोग करके अब फिर शमशान जाना पड़ेगा। यही होगा कर्म कांड खूब जितना जितिया करवा चौथ। अच्छा एक बात बताइए जितना महिला जितिया किया जो दादी रही होगी पर दादी सब जितिया किया वो है कि चली गई सब गई और सबका पति है कि गया गया और सबका बेटा है कि गया सबका बेटा भी चला गया। यहाँ कोई रहने आया है आप भी जितिया करते हो आप भी चलने के लिए तैयार हो और आपका बेटा भी तैयार रहे और आपका दूल्हा भी तैयार रहे सबको। कबीर साहब ने कहा कुशल खैरियत कुशल खैरियत सही सलामत कहू कौन को आया है जन्मत मरत देर न लागे ज्यों बादल में छाया कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई। आप समधी से पूछते हैं कुशल समधी आपसे पूछता है आप भी कहते हैं कुशल ठीक है आपका समधी भी कहता है कुशल ठीक है लेकिन वास्तविकता है ना आपका कुशल ठीक है ना आपके समधी का कुशल ठीक है। कल ही तो खबर आएगा समधी साहब समधी जी गुजर गए तो कुशल किधर गया समधी साहब का कुशल किधर गया। बंधु सुरनर मुनि वो पंडिता सात दीप नौ खंड कहे कबीर सब भोगिया देह धरे के दंड। देह धरने का जुर्माना तो देना होगा देह धरने का जुर्माना देना होगा। ये देह किस लिए मिला है मालूम है स्नो पाउडर लगाने के लिए केवल दर्जन के दर्जन बच्चा पैदा करने के लिए देह मिला था। देह मिला था ध्यान के लिए और साधना के लिए।
देह मिला था कल्याण के। देह आज कहां जा रहा है, किस काम में? बंधु कर्म कांड किसका है मालूम है? बीजक में साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बांची मानहु इतवारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाक्य धारा, तिर्देवा शाखा है पल्लव है संसारा हो, ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो ये उल्ले देवहारा, तीन लोग दस दिशा जमलोकिन द्वारा हो, कीर भये सब जियरा लिए बीस का चारा, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा, कर्म के बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो कि पूरे दुनिया को कर्म कांड में फंसा दो। सारे लोग फंस चुके हैं कर्म कांड, ज्ञान की बात तो लोग सुनना नहीं पसंद करता है। ये कर्म मार्ग जो है वो ब्रह्मा जी का मार्ग है। आज भी ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण आज भी आपको कर्म कांड में फंसा के रखता है। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति की हो, कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है, उसी मार्ग में सब लोग फंसे। दूसरा है उपासना कांड, उपासना कांड है विष्णु के, इसके भी सात शाखा है, सूर्य शिव शक्ति गणपति विष्णु राम और कृष्ण, सारे लोग इसी का पूजा त्योहार करते हैं, इसी का ध्यान करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, सह जाते हैं। क्यों? बेटा चाहिए, हे भगवान बेटी चाहिए, नाती चाहिए, पोता चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। उपासना के साथ साखा है, ये विष्णु का मार्ग है। सब लोग या तो कर्म कांड में फंसे हैं और नहीं तो उपासना कांड में फंसे। किसी के मांगने से कुछ मिल जाएगा क्या? मांगते मांगते कितना कितनी महिलाएं मुस्मात बैठी है, कितनी महिलाएं पुरुष निपुत्र बन के बैठे हैं, मांगते मांगते कितने बिना जमीन के भूमिहीन बन के बैठे हैं, कितना के बेटा के विवाह नहीं, कितना का बेटा लूल लांगर बता है, आनर बन के बैठा है, क्यों नहीं भगवान दिया? इतना दिन से तो मांग मांग रहे हैं। यही मंसूरपुर गांव में सबका धन दौलत एक समान है क्या? सबका जमीन एक समान है क्या? सबका बेटा बेटी एक समान है क्या? सबका गाय भैंसी एक समान है क्या? सबका मुंह कान नाक एक समान है क्या? तो एक बाप माँ के अगर पांच बेटा है तो माँ बाप पांचों बेटा पर अपना स्नेह रखता है कि पांचों बेटा हमारा है। पूछिए तो किसी पिता से और माँ से कि एक बेटा आपका दलिद्र हो जाए तो क्या कहेगा? ना, पांचों बेटा हमारे सुखी और स्वस्थ रहना चाहिए, माँ बाप कामना करता है। अगर भगवान ऊपर में एक बैठा है इसका एक बेटा दलिद्र क्यों हो गया जिसको बसने के लिए जमीन नहीं है, एक बेटा 500 बीघा जोत रहा है। ये दिमाग में है किसी के पास? अगर भगवान ऊपर में है तो भगवान की बेटा की यही स्थिति है कि एक जहाज पर चले एक के पास टूटल साइकिलों, एक यहाँ नमक का बोरा चौका हुआ रहे एक के रोटी पर नमक ना, ये व्यवस्था भगवान किया? हमारे गुरुदेव तो एक बार कहे कि हमको अगर भगवान मिल जाता
तो उसके देह पर पेट्रोल छींट या सलाई बार के लगा देने में कोई है कोई हर्जा? ऐसे दुर्नीति वाले भगवान को ऐसा सजा देने में कोई हर्जा है क्या? एक बाप हो पांच बेटा में दुइये बेटा के सब संपत्ति लिख दे तो तीन बेटा बाप को छोड़ देगा क्या? आरती उतारेगा कि गोली मारेगा? भगवान ने क्या व्यवस्था किया अपने अपने बेटा बेटी के लिए? कुछ को उच्च जाति बना दिया, कुछ को नीच जाति बना दिया और कुछ को मध्यम जाति बना दिया। भगवान कोई समझदारी नहीं, मानव के पास आज तक कोई समझदारी नहीं आ रहा है। केवल खाना और पैखाना करना और केवल बच्चा पैदा करना यही ज्ञान है मनुष्य के पास। कुछ सोच नहीं है दिमाग में। बंधु इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की जरूरी है। अगर भगवान है परोक्ष में, अगर भगवान है तो इस सारी महिलाएं भगवान को कौन लगेगी? यस यस, भगवान पिता है, सृजनहार है, भगवान सृष्टि करता है, सबका बाप है। तो ये महिलाएं भगवान को कौन लगेगी? हम लोग बेटा, हम लोग भगवान के बेटा। आइए महिलाएं भगवान की बेटी। साहब कबीर पूछते हैं, सृजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। जब सारी दुनिया की औरत भगवान की बेटी है तो भगवान ब्याह किससे किया? बेटिये से ना, वह बेटी से ब्याह करने वाला का आप लोग पूजा करते हैं, पूरे जिंदगी से करते आ रहे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, पंडित जी से, सरस्वती के पिता कौन है? बड़ा ताव में कहा, ब्रह्मा जी। हम की सरस्वती का दूल्हा कौन है? मुंह से बोलिए नहीं। इस पर विचार कभी हुआ? महिला विचार किया, पुरुष विचार किया कभी? कभी बेटा बेटी को अच्छा ध्यान देने का आपने काम किया? कभी कुछ समझाया? दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी का बेटा बेटी सब किसी को साधु संत से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। जो हमारे पुराने लोग सब हैं, चाहे वो राम अवतार भगत जी हो, प्रभु भगत जी हो, राजेंद्र भगत जी हो, कृष्णा भगत जी हो, तुला भगत जी हो, ये सब लोग चले जाएंगे, बस यहाँ से कबीर पंथ का खात्मा हो जाएगा। कहा कि बेटा बेटी पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। नागा बाबा चले गए, दीप नारायण सिंह चले गए, परिवार चला गया, जान जान अब वहां कुछ नहीं शेष बचा। दीप नारायण सिंह के साथ एक ब्राह्मण थे मास्टर साहब, वो चले गए, उनका परिवार खत्म हो गया। मैं तो नहीं कहता हूं कि धन मत कमाइए, खेती मत कीजिए, खेती कीजिए, जीने के लिए तो करना है, सुख से जीने के लिए कर्म करना है। खेती कीजिए, पढ़िए लिखिए, नौकरी कीजिए, घर बढ़िया बनाइए, जमीन खरीदिए। लेकिन उसके साथ साथ साहब कबीर ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, लेकिन भक्ति महात्म ना तो ले सब कोने का। अगर भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो सारा धन आपका खाक है, कुछ कुछ सब समाप्त।
धन से अधर्म होता है, धन से बारन अधर्म होता है, धन से तुरंत अहंकार होता है, तो धर्म कैसे हो? धन से धर्म होता तो कबीर साहब का है कहे मन लागो मोर यार फकीरी में। अरे प्रभु भगत से बहुत लोग को ज्यादा धन होता है, प्रभु भगत को ज्यादा धनवान व्यक्ति नहीं है, बहुत धनवान होता है, लेकिन जो इन्होंने कर दिया अपने जीवन काल में, जो साधु संत के प्रति इन्होंने अपना त्याग दिखा दिया, बहुत धनवान से नहीं है। धन कोई माने नहीं रखता, विचार ज्ञान सबसे बड़ा चीज। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन एक पैसा जोर जोर करके तिजोरी में लगता है। कबीर साहब कहे स्वान भग सोम धन दोनों एक समान, स्वान भग सोम धन दोनों एक समान, घालत ही उपजे निकस निकले। कबीर माया वेश्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे। कबीर साहब धन को वेश्या से तुलना किए, जैसे वेश्या के यहाँ कोई जा रहा है व्यक्ति तो वो आदर से बुलाती है, आओ आओ, आज उसका काम बन गया, माल ले लिया, मारेगा लाल भागो जल्दी से। उसी प्रकार से धन अगर आपके यहाँ आ रहा है तो समाज के सारे लोग आदर करेंगे, आइए भाई साहब चाय पी लीजिए, नाश्ता कीजिए। आ कहीं धन जा रहा है तो छिप जाएगा, आ रहा है दलित लाल कहेगा चाय पिलाने के लिए छिप जाओ। धन से ज्यादातर अधर्म धर्म कम होता है। कबीर पंथ में कितने धनवान लोग हैं हमको नहीं लगता है। कबीर पंथ में धनवान लोग नहीं है इसलिए इसमें कसौटी है ज्यादा, धनवान टिक नहीं पाएंगे, उनको तो धन बढ़ाना है गलत गलत काम करके, वो कैसे आएगा कबीर पंथ में? आ नहीं सकता, वो दूसरे पंथ में जाएगा। कबीर पंथ उसमें भी पारक सिद्धांत में वो नहीं आ सकता। यहाँ कसौटी पर कसौटी, कसौटी पर कसौटी टिक नहीं पाए। तो मैंने कहा विष्णु जी का उपासना मार्ग, सब लोग उपासना में फंसे, सब लोग भगवान के आगे एकदम खड़ा है कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए। अब मिला आज तक कुछ नहीं, 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ आज तक के भगवान के पूजा करते। एक महात्मा जी के यहाँ गए, वो बुलाए हमको सत्संग में गए, हम दरवाजे पर बैठे थे। अब उनको जो भी शिष्य सब आता था बंदगी करने, बंदगी करके कहता था गुरु जी हमारा बेटा के तो नहीं भले नौकरी, अच्छा 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 अगला साल कोई आवे, गुरु जी हमारा नाती के तो नहीं भले, अच्छा अगला साल करो। हम मोने मन हम सोच रहे हैं ये महात्मा जी के पोता तो अपने भैंसी चढ़ाता है, दूसरे के खाली नौकरी बांटते हैं, अपना पोता के ना पहले लगा लेना चाहिए तब ना दूसर के बाद में देना चाहिए। बंधुओं इससे नौकरी नहीं मिल जाएगी किसी के मांगने से, और किसी के मांगने से धन नहीं मिल जाएगा। ये सब प्रारब्ध का भोग, कर्म का परिणाम। प्रारब्ध बनता है कर्म से। आप बताइए बिहार में अगर नाव जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, नाई ठाकुर, उसकी जनसंख्या पूरे बिहार में कितना होगा? कोई गांव में 2 घर, कोई गांव में 1। अपना कर्म का परिणाम, अपना प्रारब्ध का भोग था तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3-3 बार बार कर्म के परिणाम से। जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे समस्तीपुर जिला पूसा रोड हाई स्कूल में, वहां कर्पूरी ठाकुर का भाषण होने वाला था बहुत दिन पहले। आज तो मेरा 68 बरस का उम्र हुआ, उस दिन रहे होंगे 16-17 बरस के जब मैं मैट्रिक में था।
उनका भाषण होने वाला था चक हाजी में, और उनके परम मित्र थे मोहम्मद सखावत। वो पैर से कुछ लांगर होके चलते थे, हाथ में बेंत लेके बड़ा भारी हो जाते। जब चकहाजी नदी में टमटम भूला, पानी नहीं था सूखा हुआ था, तो मोहम्मद सखावत बोल दिए ठाकुर जी से, ठाकुर जी एक बात कहे, का कही, तो लगता है कि भविष्य में आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठाकुर जी टमटम पर से कूद गए, कहा तुमको हम ही मिले हैं मजाक करने के लिए। इतना ज्यादा बिहार में, इतना कुशवाहा बिहार में, इतना कुर्मी भूया बिहार में, इतना भूमिहार राजपूत बिहार में, जनसंख्या वाला जाति, वो नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, ये घरवा हजाम बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। जाओ तुम्हारे साथ हम टमटम पर नहीं चले, तो हमसे मजाक करते। झंझट हो गया दोनों आदमी। वह दिन दूर हुआ जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, वो अपने कर्म का प्रमाण। कर्म से सब कुछ हो, और किसी के मांगने से कुछ मिलेगा नहीं। कबीर साहब का मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगना से मरना भला। यह सदगुरु के भीख। सब आदमी अगर सुख से जीना है तो कर्म कीजिए। सब लोग खेत में कमाइए, घर में कमाइए, फैक्ट्री में कमाइए, सिनेमा हॉल में कमाइए, क्रिकेट में कमाइए, विद्यालय में जाके विद्या अध्ययन कीजिए, पहलवानी कीजिए अखाड़ा में जाके। अगर कुछ पाना है तो कर्म कीजिए, कर्म से मिलेगा। अगर मुक्ति पाना है तो संतों का संग कीजिए। मुक्ति मुक्ति अगर पाना है, कल्याण पाना है, तो ज्ञान मार्ग में जाइए। अगर सुख पाना है, सुख पाना है तो कर्म मार्ग में चलिए, और शांति पाना है तो ज्ञान मार्ग में चलिए। शांति कर्म से नहीं मिलेगा। ये दुनिया जीने के लिए भी कर्म में फंसा है, और शांति के लिए भी कर्म कांड में फंसा है, और सब पंडित जी फंसा देता है। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने किया, हमको भी ट्रेन पकड़ना है। कल का कार्यक्रम झारखंड में है, तो हम सोचते हैं आज कम से कम मानसी तक हम चले जाएंगे, तो वहाँ कबीर आश्रम पर रात्रि विश्राम कर लेंगे, और सवेरे वहाँ से टेम्पू पकड़ेंगे, चले जाएंगे भागलपुर, और भागलपुर से बस पकड़ेंगे हम झारखंड चले जाएंगे। तो मैंने साहब जी से कहा था, साहब जी 12 बजे तक के आरती पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। कहा बिल्कुल हो जाएगा। प्रभु भगत जी ऐसे व्यक्ति है जो बात से एक सेकंड इधर से उधर करने वाले व्यक्ति। बहुत दिन से मैं इनके यहाँ आता हूँ, गृहस्थ में रहते हुए जिन्होंने इन्होंने पालन किया है, जो इनके पास जो विवेक और बुद्धि है, बहुत लोगों संतों के पास उतना नहीं है जितना गृहस्थी में रह के अध्ययन कर चुके हैं। समय की पाबंदी, संतों की सेवा की पाबंदी सब इनके पास है। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने किया कर्मकांड और ज्ञान कांड पर। कर्म कीजिए जीने के लिए, और ज्ञान में रहिए मुक्ति पाने के लिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की।